ये चंपासरी का जिस तरह का घटना हुआ है पिछले 3 महीने में, एक के बाद एक नाबालिग लड़की का साथ बलात्कार और उसका मर्डर, उसके बाद इधर और एक किसी को मर्डर हो गया है, और हाल ही में जो खून हुआ है और एक रिवॉल्वर यानी पिस्तौल लेके किसी ने किसी दूसरे को गोली मार के हत्या कर दी, तो इस तरह का घटना में स्वाभाविक रूप से लोगों का मन में भय पैदा होता है और लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। और ये पूरा केवल चंपासरी का घटना नहीं, ये पूरा बंगाल में जिस तरह का एक के बाद एक घटनाएं घट रही है, हम पूरा बंगाल के लोग अभी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन में ही आप लोगों को सबको पता है कि जिस तरह में कोचबिहार में भी एक मर्डर हो गया, उसमें भी घर में जाके गोली मार दी। कुछ दिन पहले कालियाचक में एक नाबालिग लड़की को खून करके रेप करके खून कर दिया गया और एक लड़का को पुलिस ने जाके गोली मार दी। तो इस तरह का घटना एक के बाद होता है, तो स्वाभाविक रूप से। और हाल ही में सिलीगुड़ी में तो जो चंपासरी देवीडांगा में हुआ, उसी दिन से आशीगर मोड़ भी और एक मर्डर हो गया है और इधर 4 नंबर वार्ड में भी और एक मर्डर हो गया। तो जिस तरह का मर्डर की घटना, खून की घटना, और कोई चाकू लेके, कोई गोली मार के, कोई बम विस्फोट करके, और वहाँ भी एगरा में भी बहुत सारा विस्फोट हुआ और उसमें भी 11-12 लोगों का जान चला गया। तो इस तरह से पूरा बंगाल का जो पुलिस प्रशासन के जो हाथ में जो आईन श्रृंखला रहना चाहिए था, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से बिगड़ गया है। और हालांकि इस राज्य के पूरा ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखने के लिए चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर खुद ही है, तो उनको पूरा का पूरा ये जिम्मेवारी लेना चाहिए। और जिस तरह से युवाओं के भीतर अभी ये ड्रग्स का कारोबार पूरा सिलीगुड़ी में, केवल चंपासरी देवीडांगा मिलन मोड़ नहीं, पूरा सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी के आसपास के क्षेत्रों में तो पूरा ड्रग्स के एक बहुत बड़ा कारोबार रैकेट्स चल रहा है, तो ये सब भी देखना चाहिए। पुलिस प्रशासन है, सरकार है, लेकिन वो लोग देखते हुए भी ये सब को अनदेखा कर रहा है। और जहाँ है जमीन के विषय, तो देखिए पूरा यहाँ सिलीगुड़ी के आसपास जितना सारा नदी है, नदी के पास जितना सारा वेस्टेड लैंड है, और केवल वेस्टेड लैंड ही नहीं, जो लैंड सरकारी है इधर, जैसे अभी चंपासरी रेगुलेटेड मार्केट के पास भी सरकारी जमीन, NHAI का जमीन, वो भी जबरन दखल करने का कोशिश कर रहा है। कोई साधारण व्यक्ति का जमीन भी इस तरह से तृणमूल के नेता द्वारा, तृणमूल के गुंडा के द्वारा इस तरह का जबरन उसको दखल करने का बहुत सारा घटनाएं सामने है। तो पुलिस प्रशासन है, लेकिन वो लोग TMC के दबाव में है। TMC के दबाव में आके वो लोग जो उनका सही निर्णय लेना चाहिए था वो नहीं ले पा रहा है। और तृणमूल के नेता, मंत्री और उसके बाकी जो तृणमूल के साथ जड़ित है, उन सब से पुलिस और प्रशासन भी मिलकर ये सब घोटाला को साथ दे रहा है। ये पूरा बंगाल में घट रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह का घटना अगर चलता रहा तो बंगाल आने वाला दिन में यहाँ जो यहाँ के जनता है वो जनता का परेशानी और बढ़ेगी। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि जिस तरह का घटना घट रहा है दिन के दिन, ये सब को बंद करना चाहिए और पुलिस और प्रशासन को और भी एक्टिव होना चाहिए और पहले से पालन करना चाहिए कि ये सब कहाँ से आ रहा है। ये पिस्तौल ऐसे ही नहीं आते किसी साधारण आदमी के पास, लेकिन यहाँ कैसे आ रहा है, कौन सारा है जो यहाँ ऐसा जो हथियार वगैरह है ये सब मदद कर रहा है और उसको मदद दे रहा है, तो ये सब पुलिस प्रशासन का काम है। पुलिस प्रशासन और पर एक्टिव हो जाएगा तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना नहीं होगा। हालांकि सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर के अंडर में बहुत सारा थाना में इस तरह की घटना घट रहा है, तो कमिश्नर को भी इस विषय में ध्यान देना चाहिए। और यहाँ का जो बंगाल का सरकार है, होम मिनिस्टर खुद CM है, उनको भी इस विषय में ध्यान देना चाहिए। पूरा बंगाल का स्थिति एक ही जैसा है।